हाँ साथियों, यह मैं एक बिरहा आप लोग के बीच में पौराणिक बिरहा पेश करे जात है। ये दीवाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो हरदासपुर खुर्द जलालाबाद गाजीपुर के सौजन्य से हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा कलाकार काशीनाथ यादव एवं साथी आप लोगों की सेवा में गीत भेज रहे हैं। मुझे उम्मीद है और पूरी आशा भी है कि आप सुहृदजन अपना पूरा प्यार दुलार एवं आशीर्वाद देंगे। रोज संध्या सवेरे सजाया आरती, कोई फूलों की बरसात करता रहे, माथ चंदन अरोरी लगा अंग में, अर्घ जालेप दिन रात करता रहे, लाख सींचो संवारो मगर दोस्तों पुष्प चांदी की चादर पे खिलते नहीं, जिसकी पूजा न होती है सच्ची अगर उसको सपने में भगवान मिलते नहीं। गजल की लाइन बा, सनम देवफा फिल्म कई गीत हो कि बे इरादा नजर मिल गई तो मुझसे वो मेरा दिल मांग बैठे, भाव है बड़ी बढ़िया बात कवि जी ये लाइन में लिखलन, हाय रामा डालियों से चमन गुल हजारे, डालियों से चमन गुल हजारे, अरे क्यों सवेरे उतारे गए हैं, डालियों से चमन गुल हजारे क्यों सवेरे उतारे गए हैं, हा सितम बेखताए बेचारे, अरे जिंदगी दे के मारे गए हैं, अरे जिसने न पिया प्रेम का प्याला बेकार है, पूजा की सजावट का मसाला बेकार है, उसके लिए बाघंबर मृग छाला बेकार है, रुद्राक्ष और तुलसी की माला बेकार है, संसार का मंदिर यह शिवाला बेकार है, संसार का मंदिर यह शिवाला बेकार है, खिलता चमन वीरान कर डाला बेकार है,
भैया हो, कुल बेकार हो, संसार का मंदिर और शिवाला बेकार है, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला बेकार है। हर काम बेकार हो अगर मन में सच्ची साधना ना हो तो आ गए आसमां से सितारे, प्रेम से जो पुकारे गए हैं स्वर्ग के भी अनोखे नजारे, अरे इस धरा पे निहारे गए हैं। भैया कहानी की शुरुआत यहाँ से बा, पूर्व काल काशी नगरी में जहाँ हुस्न की मंडी, पेशे में पति धर्म निभाती रत्ना नाम किरंडी। भैया बनारस में मशहूर मोहल्ला दाल मंडी, वही के दास्तान बा, और एक रत्ना नाम का वेश्या, काम तो कर वेश्या के रहल, लेकिन वेश्या वृत्ति में रहते हुए उपतिव्रता धर्म का पालन करे। अब कैसे करे गाना में आप लोग के मिली, मास्टर भैया बड़ी पुरान भोजपुरी फिल्म के गीत लगा देलन, हीरोइन हीरो के हीरो से परेशान होके कहतियो कि मोहे पागल हाय हाय, मोहे पागल बना के जवानी में, मोहे पागल बना के जवानी में, मोर सैया मगन पहलवानी में। लेकिन आप लोग गाना के बाद सुने, बड़ा सुंदर भाव एक गीत में मिलल बा, बार कवि जी कि खिली पत्थर पे है, खिली पत्थर पे बगिया जमाने में, खिली पत्थर पे बगिया जमाने में, अरे पति परता मिली रंडी खाने में। पतिव्रता मिली रंडी खाने में, पैसे में सच्चा धर्म है निभाई, कोई भी उसको सकाना डिदाई, रीति निभाती न प्रीति लगाती, रीति निभाती न प्रीति लगाती, दौलत और खजाने में, दौलत और खजाने में, पतिव्रता मिली रंडी खाने में। पेशा में ओकर वेश्या पेशा तो रहबे कैल, लेकिन अपने वो वेश्या वृत्ति पेशा में रहते हुए भी उपतिव्रता धर्म का पालन करे।
और कैसे करे गाना में आप लोग के मिली आगे। तौबा तौबा ओ तौबा 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 कैसे है नादान घुघरू पायल के। तो एक दिन ले गे मेरी जान घुघरू पायल के। बड़ी बढ़िया बात हीरोइनिया गौले बा। शर्म के मारे लाल पड़ गया रंग मेरा बादामी। छनक छनक के गली गली में करे मेरी बदनामी घुघरू पायल के। तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल के। भैया हो रत्ना बाई अपने कोठा पर मोजरा कभी व्यवस्था कैले रहे बहुत बढ़िया मोजरा भी गावे। आ कैसे तो करती पायल की झनकार रत्ना कोठे पे। करती पायल की झनकार रत्ना कोठे पे। करती पायल की झनकार रत्ना कोठे पे। पाले पति धर्म संसार रत्ना कोठे पे। भैया ओकर नियम रहल कि सूर्योदय होने से पहले जिसे द्वार पा जाती 24 घंटे तक उसको ही अपना पति बनाती। रत्ना कोठे पर देती नहीं किसी को प्यार रत्ना कोठे पर। कांटों में गुलाब जैसे बादल में बसया जोरिया वैसे उस बदनाम गली में बन के बसे चकोरिया। रत्ना कोठे पर बनती सदा सुहागन नार रत्ना कोठे पर। ए भैया ओकर यह नियम रहल कि जब सूर्योदय होखे सूर्योदय के थोड़ा पहले ओकरे दरवाजा पर लाइन लगे आ जे पहला नंबर पर भेटा जा ओके जो उन्हें की अंदर कहले आ शेष लोगन के नो एंट्री हो जाए। आ 24 घंटा तो कर ओकर सेवा सत्कार पूरा करे। ये भैया ओकरे एक काम की चर्चा पूरे क्षेत्र में पूरे नगर में लगभग पूरा देश में फैल गई। भगवान विष्णु सोचले कि भाई ये तो बहुत बड़ी साधना इसकी है। इस पेशे में रहते हुए भी ये पतिव्रता धर्म का पालन करती है। परीक्षा लेवल चल दहलन तर बदल गई मास्टर। चनवा के ताके चकोर ए फिल्म के गाना बा कि ना जगो रखी पता रखी ना जगो रखी पता रखी अजाब कर हो गजभर के चुनारिया गजाब कर हो।
विष्णु के मानवा खलाल कर हो। अरे देखी के रतना के भारी सधनवा अमनवा में अपने हो कई के गुनानवा। अरूप बूढ़ा के बनाई के चलोल कर हो। अब इधर अब उधर विष्णु के मनवा खलाल कर हो। विष्णु भगवान सोच लेलन कि चल के ओकर हम परीक्षा लेब। आओ जब सोचले तो तुरंत तैयारी करके चल देलन एक बूढ़ा ब्राह्मण का रूप बना के। अब पहुंच गईलन तब से तर्ज बदल गई। बड़ी पुरान गीत लग गई। ए भैया एक ठे दुल्हिन अपने दुल्हा से परेशान रहे तो अक्सर ही होला कि मेहरारू अगर आदमी से परेशान होली तो पूरा परिवार भर के बेजहिया बनावनी। सास ननद ससुर भसुर सबके देवर सबके बेजहिया बनावली। तो देखा ओकर हर का परेशानी रह। गीत भैया ये हमरे उस्ताद रामदेव गुरु अपने जवानी के रवानी में जब रहलन तो बड़े भाव भर के गावन। अरे पिया परदेश जठानी नहीं हरवा भसुरु सुतल मचान पे। अरे भसुरु सुतल मचान पे हम बिताय गईली एक बिरा पान पे। तबले आई गई न बुढ़ऊ दुआर हो। तब ले आई गई ले बुढ़ऊ दुआर हो। पूरा एकदम लंबा तिलक मरले लीलार पर चौचक आ दुआरी पर आके हाजिर हो गई ले। तो जब सवेरा भेल हो अरे जब पर्दा सवेरे हटौले बाय तब रतना दुआरिया पर पवले बाय। देख बुढ़वा की लाइन लगवले बाय। अरे नजर डाल सफा टट कपार हो तब ले आई गई न बुढ़ऊ दुआर हो।
भैया, जब रत्ना सवेरे दरवाजा खोलले देखले बुढ़ऊ लाइन लगौले बाटे, एकदम पहला नंबर पर डटल रहले, और दरवाजा केहन अपन नकुरा सटा के आ अपने सोटा के सहारा ले के एकदम पूरा चप के खड़ा रहलन। जब देखले बा कि ये भाई तो बुढ़वा लाइन लगौले बा, एकरे कपारे पे एको बार ना बा, भगवान ही का करी। तब से तर्ज बदल गई मास्टर। यो बड़ा पुरान गाना मास्टर लगा दिलन, ई फिल्म बलम परदेसिया का गाना बा। चढ़त फगुन जिया जर गई न हो, मोरा सजना सनहिया बिसरी गई न हो। रत्ना सोचत हो देख के मन में अपने विचार करत हो, का विचार करत हो, सोच बुढ़वा महान तीरंदाज हो, अब बड़ा धांसु पुरान रंडी बाज हो। सोचे थे कि पुराई धांसू लगत बा, मालूम होत भाई पुरान रंडी बाज बा। तमुहवा में दांत नाही चीचू कल तचाम बा, तबहू गुलामी अरे तबहू जवानी का इतना गुलाम बा, यह सैया सजरिया कया जो हो, अब बड़ा धांसु पुरान रंडी बाज हो। कहले कि मुहे में को दांत ना लौकत बा, चाम झूल गए हो, लेकिन इनकर जन टिसना मानल ना, मालूम होत बा कि बहुत पुराना जौन की रंग बाज लगत हो। भैया हो भीतर ले गई, बा पकड़ के बुढ़ऊ सोटा टिकावत अपन पहुँचल, आ ले जा के गद्दा पर सुता दहले। कहले ठीक है पतिदेव, आप आराम करा। हाँ का कहत बा कि भीतर ले जाय कही खा काला जाम बा, अरे चम चम रसगुल्ला मलाई तमाम बा। सुना अरे ले बलासी तो ठंडा मिजाज होई हो, अरे मिजाज होई हो, बड़ा धांसु पुरान रंडी बाज होई हो। भैया हो पूरा बढ़िया बढ़िया चमचम पेड़ा पंतुआ रसगुल्ला जितना बढ़िया बढ़िया मिठाई रहे कुलिया के आगे रख दिले, कि दांत हो तो बुढ़वा के बटले न बा, आ धीरे धीरे मजगूरे से दबाए कि अपन काम निकाल ले। कहले कि अरे उ तो खा ला आ वही लसियो बा, मिजाज अगर तुहार तो गरम हो बुढ़ौते में तो ठंडा हो जाइए से। तो टेरी के लाइन लगे मास्टर।
अरे तरुणी पूजा की थाली बन गई, मेहंदी दीप शिखा श्रृंगार पुष्प की लाली, अरे हो लाली, अरे हो लाली, लाली लाली, मेहंदी दीप शिखा श्रृंगार पुष्प की लाली, तरुणी पूजा की थाली बन गई। ए भैया तकटवा के फूलवा समाजी के मलिनिया हो, प्रेमवा से करे सराबोर गुल सनवा, अब उनके बुढ़ैया के पाई तरुड़ैया हो, दिल से बनाई पतिव्रता सजनवा, अपने दिल से उनके पतिव्रता मनले 24 घंटा बदे, कहले कि चाहे बूढ़ बाटन जवन भी बाटन, लेकिन हमारे नियम के अनुसार ये है हमार पति हुई। करत कहा कि कोठवा पर कर भारी सेवा सत करवा हो, चापी के खियावे पेड़ा पूड़ी पकवनवा, तरतिया भैला ताबा फूली गईला पेटावा हो, अरे खटिया पर अगर बुढ़ऊ थुथुनावा। बुढ़ौती का शरीर अब जवन भी सामने आ गल पूरा लीलत चल गईलन, और जब रात भइल हो बुढ़ापा के शरीर अब वही काम मशीन कैले ना पेट, तो थुथुन रगड़े लगले खटिया पर, उ तो सोचती भाई कि इनकर यह दशा बा करी है का, लेकिन बड़े सोच में पड़ गई तब तर्ज बदल गई। भैया एक संतऊ गीत लग गई अपने जमाने में, एक जवानी रहे आज भी जवानी बा, कि काचे काचे बसवा कटावल सरे मोरयाल हर जोगिया, यही गीतिया पर हमरे रामदेव उस्ताद गावे, पनिया में अगिया लगावल सहो धन तोहरी जवानिया, अखिया तोहार जैसे अमवा के फारी, ताकि हम कब से तकवल सरे धन तोहरी जवानिया। इतना तर्ज रहल, लेकिन इधर देखें गाना में बुढ़ऊ के का दशा भइल, कि बुढ़ऊ का बढ़ल बेमारिया हो नहीं बस में शरीरिया, बीमारी बढ़ गई रतिया में बूढ़ऊ के हो गई कलरा, मुंह पेट चल बेकार भैल चेहरा, भैल
जे बेहोश वही घरिया हो नहीं पसंद करिया। तब देखा कालरा हो गल मुंह पेट चले लागल एकदम आँख उलाट पलाट दहलन, लेकिन रत्ना अपना काम कर रही है, पति धर्म निभा रही है। जौन एक पतिव्रता स्त्री का फर्ज होला ओकरे अनुसार उनकर सेवा करत हो। ए भैया आजकल देखत हुआ है आप लोग ए जमाना में युग में का होत हो, अरे वो तो बूढ़ रहलन इन नयकन नयकन भी धोखा खा जात हुन। साझे आओ तो बिहाने जोन फरार हो जाते ही या तो अपन कला दिखावे लगत है। तब अरे सेवा करती रतन मनवा मारी बढ़ल बीमारी बा, आओ गई वैद्य के पास दौड़ बेचारी बढ़ल बीमारी बा। अरे जल्दी जा बनारस के मशहूर वैद्य को लाई हो, और नाड़ी धई के दवा बनावे अब तबले पीठ घुमाई हो। बड़े जोर से छोड़ ले पिचकारी बढ़ल बीमारी बा, अब वैद्य राज का कपड़ा दिए बिगारी बढ़ल बीमारी बा। जाके बनारस के मशहूर वैद्य के दौड़ के बुला के ले आई भैया, झोला झंटी ले ले पहुँचलन लब से बिस्तर पर एक तरफ रख के हाली हाली निकाल के अपन पुड़िया बानत हुआ नाड़ी ओड़ी पकड़ के उनका। आ जब पुड़िया बानत हुआ तब तक जौन है कि करवट घूम के अब पेट खराब रहबे कर समरल ना समरल ना छूट गया पेट। वैद्यराज के कपड़ा पर भी कुल बेकार कर दिलन। तब देखा वैद्यराज गुस्सा में हो गई लन, अब कहा बिगड़ी के बैद कहा बिगड़ी के बैद बुढ़ौती मेला गल बचसका हो, अब खाए अइला यहाँ बकेना मुरवा भैंस का मसका हो। अरे दवा ने उतरल देहल दांत चियारी बढ़ल बीमारी बाय, और सूर्योदय से पहले गए सिधारी बढ़ल बीमारी बाय। कहले कि अपन दशा ना देखत हुआ चलला है बुढ़ौती में जौन है कि हाँ सारी टार है कपड़ा उपड़ा बिगड़ गल भलिया घुसिया उसिया के वो अपन झोला उठौने चल देलन। आ इधर बुढ़ऊ जौन है कि दांत चियार देलन माने मर गईलन। जब मर गईलन तो रत्ना बड़े सोच में पड़ जाती है, अभी सवेरा ना भल हो पूरा आल्हा के लाइन लगे मास्टर। अरे बदरा से जैसे धू मिले होले जोरिया भैया, ऐसे होले कोठवा पे रतना का
पहुंचे लतिया मारी करी का घाटा वहां पर भैया समझला ए भैया लाश कफनियाए के मणिकर्णिका घाट पर एठे ठेला मंगा के आले के पहुंचे लिहो। जब मणिकर्णिका घाट पर लाश लेके पहुंचे लिहो बड़ा ज्यादा समय बीत गल। इधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को खोजते खोजते पहुंचाती है मणिकर्णिका घाट पर। आ उधर ओ समय रत्ना दुकान से सामग्री खरीदत रहल दाह संस्कार के समझ गईलिन। मनही में कहत बानी अपने मौन भाषा में दोनों जन में विष्णु भगवान में लक्ष्मी जी में बात हो गई। कली का हो यहाँ कैसे आके फसल बढ़ाई का दशा बनौले बाटा। विष्णु भगवान में मौने जवाब देत हुवन आ जब बैठे ली हुई मुड़तारी जाके आ तब तक रत्ना देख ले ले कहला है खबरदार वो मेरे पति हैं, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, उनकी मैं सेवा सत्कार की हूँ, हाथ मत लगाना। जब डांट दे ले जोर से लक्ष्मी जी कहत हैं कह पहचानी ते बाट मोर सजनमा बहिनी झोटाऊर तक बात हो गई। पूरा झोटा पकड़ के झोटी के झोटा खींची के खींचा लात घूसा चलत बा दोनों जाने में भैया पूरा वही मणिकर्णिका घाट पर पूरा सरपट्टा लड़ाई कर रहा है। आ देखे वाला लोग देखत हुवन विष्णु भगवान सोचले कि अरे बाप रे बाप ये अइली है पूरा हमरे मोह माया में आए के समझत ना रहलिन है। कहले कि अब अगर ना कुछ करत है तो बात बिगड़ जाई। तब कैलन का अरे लीला गजब के गंगा किनारे अब देखे कफनवा से श्री भगवान कफन में से देखलन। कहलन कि अब अगर ना बोलत है ना कुछ करत है तो बात बिगड़ जाई। तो कैलन का खड़ी ले गई पंधरा गाना छोड़ावल हरी अब तब मुड़िया कफन से हिलावल हरी प्रकट हो गए विष्णु भगवान चतुर्भुज चारों हाथ में पद्म शंख चक्र गदा। जब प्रकट हो गए रूप दिखलाए रत्ना जो है रो करके पैरों पर गिर पड़ती है कहने बारे प्रभु आपने खूब मेरी परीक्षा लिया लेकिन कहले का कि कहां पर मांगो
रतना बोली भरी नया नवा अरे बन के तू आई हमारे गोदी में सुगनवा विष्णु भगवान कह रहे हैं कि अरे रत्ना मांग ले जो तुम्हें मांगना हो वरदान मांग ले मैं तैयार हूँ देने के लिए। लेकिन झरझर झरझर रो रही है पैरों पर गिर पड़ती है और रो करके कहती है कि प्रभु अगर आपका इच्छा हो तो आप हमारे गोद का लड़का बन के पैदा हुई हा ऐसे कह ले कि उनको जो है वृद्ध रूप में पाई थी 24 घंटे के लिए। अब भैया कहल जाला कि लड़का बुढ़वा एक होलन तो जैसे लड़कन का सेवा कर जाले वैसे बुढ़ोनों को सेवा होवे की चाही ये हमार कहनाम बा। ऐसे तो कहतिया कि प्रभु हमको बहुत आत्मसंतुष्टि हुई आपकी सेवा करके तो ऐसे हम चाहते है कि आप हमारे गोद के लड़का बन के पैदा होखा एवं मस्तु कही के सुनावल हरी तब मुड़िया कफन से हिलावल हरी कहला एवं मस्तु ऐसा ही होगा। रत्ना आगे कहती है कि सरकार आप तो हमको एवं मस्तु कह दिए लेकिन एक हमार शर्त बाप कि लेकिन पुत्र हमके हरी चाही नहीं वैसा अरे राम लखन श्याम हनुमान रहे जैसा ममता के चारो ठुकरावल हरी तब मुड़िया कफन से हिलावल हरी कहले नाथ पुत्र ते आप बन के इहा लेकिन वैसन पुत्र हमके ना चाही जैसन कि राम रहलन लक्ष्मण रहें श्याम रहें हनुमान जी रहें। प्रभु ए लोग जो है माताओं की ममता को तोड़ करके और बचपन में ही जो है घर छोड़ दिए माताएं बिलखती रह गईं अपने बच्चों को देखने के लिए। तैसे सरकार हमर कहनाम बा कि लई के जन्म जैसन गोदिया में आई हा ओतना बड़ा तू हर हर दम रही हा रत्ना भैली नारायणी आवल हरी तब मुड़िया कफन से हिलावल हरी सरकार आप जितना बड़ा जन्म लिया उतना बड़ा तू हमेशा हमारे गोद में रहिया कि हम आपके सेवा कर सकें एक बच्चा की तरह से हम क्यों में बड़ी संतुष्टि हो। तो प्रमाण मिलता है कि रत्नाबाई नारायणी नदी हो गई और भगवान विष्णु शालिग्राम की मूर्ति तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल लेल खिलती शालिग्राम की मूर्ति चंद्रिका इसी नदी में मिलती तरुणी पूजा की थाली बन गई दिए कब हरिनाथ काशी को ज्ञान की प्याली तरुणी पूजा की थाली बन गई।